हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल। तो जिसके लिए यहाँ मैंने लिए 1 किलो कटहल, उसको मैंने बारीक काट कर धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और इसमें डालने के लिए ले लेंगे हम यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज है, छोटा सा टमाटर है और 2 हरी मिर्चें। इन सबको बारीक काट लेंगे। तो यहाँ रख लिया एक मैंने बड़ा बर्तन, और उसके अंदर डाल देती हूँ मैं 2 से 2.5 चमचे ऑयल। उसको तेज़ गर्म करने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसी के साथ डाल देंगे इसमें ज़ीरा। ये 1 चम्मच ज़ीरा ले रही हूँ मैं। तो ज़ीरा चटकने लगा, अब इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये टमाटर, हरी मिर्च मैंने इसमें अभी नहीं डाली है। और प्याज का मुझे कलर बिल्कुल चेंज कर लेना है, ब्राउन कर लेना है इसको, इन्हें तब डालेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है प्याज का मेरे। थोड़ा सा और कर देती हूँ इसको ब्राउन। तो ये हो चुके हैं, अब इसमें डाल देती हूँ मैं टमाटर, हरी मिर्च, और इनको तब तक चलाना है तब तक ये गल ना जाए। तो ये टमाटर गल गए इसके, अब इसमें डाल देते हैं कटहल। तो ये डाल दी मैंने सारी कटहल इसमें। अब इसे कटहल को हमें इतना भूनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे। इसी तरीके से चलाते हुए इसको भूनते रहे। और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगी ये। ये देखिए, मेरा कलर चेंज होने लगा है इसका, कटहल का। और इसी तरीके से इसको चलाते हुए लगातार इसको भूनते रहे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। इसमें डाल देते हैं मसाले, ये भुन चुकी है अच्छे से। तो ये डाल रही हूँ इसमें 1.5 चम्मच नमक। और इसमें ये डाल दिया मैंने लहसुन, 1 चम्मच लहसुन है। और इसमें 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फ्लेक्स भी लेनी है इसमें, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च इसमें 1/2 चम्मच ही ली है। और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने भर कर लिया है धनिया, धनिया मुझे 1.5 चम्मच डालना है। और ये 1/2 चम्मच फ्लैक्स। तो ये फ्लैक्स भी मैंने डाल दी है। और अब इसको मसाले को अच्छे से इसमें भून देना है। तो ये मसाले डालकर थोड़ी देर इसी तरीके से भून लेंगे इसको। तो ये देखिए, मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि इसमें पानी नहीं है, तो मैं इसको लगातार चला रही हूँ। तो इसको 3 से 4 मिनट हो गए इसी तरीके से भूनते हुए। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसका। अब पानी डालकर इसको थोड़ा सा चलाना है हमें। तो ये पानी डाल के अभी थोड़ी सी भून ली है मैंने इसको। तीन से चार मिनट इसको भून ली है मैंने पानी डालकर हल्का सा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसमें हल्का सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ दम पे लगाना है मुझे। ये देखिए, मैंने कितना सा पानी डाला है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। मुझे सिर्फ इतना लिया है मैंने
कि देखो नज़र नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी पानी, नीचे सिर्फ दम लगेगा इसमें कटहल में। तो इसको मुझे 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के मीडियम गैस पे इसको रख देना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है मुझे इसकी। तो इसको मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं मेरे इसके, ये देखिए ये कितनी अच्छी गलकर तैयार हो गई है, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, इसने तरी छोड़ दी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।